ओके ओके, मुझे बस 10 मिनट दे दो, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके सो मुझे आपके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर, मेरा ठीक चल रहा है अभी। मतलब ओके नहीं 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 मुझे आपके बारे में बता सकते हो? कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, थोड़ा सा क्या करते हो, क्या कॉलेज, स्कूल, हाई स्कूल, जो भी है। अभी छुट्टियां चल रही है हमारी। ओके 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो राइट? हाँ, और ये सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं? इंग्लिश, मराठी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिंदी भी है। ओके विच वन योर फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ्स वेरी गुड। ओके और मीडियम कौन सा है? इंग्लिश। सुपर। ओके पीसी या मोबाइल कब से यूज कर रहे हो आप? अभी जब भी कोविड था ना तब से, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल रहता था तभी। ओके ऑनलाइन स्कूल रहता था और अभी पीसी भी यूज करते हो आप? हाँ, वेरी कूल। हैकिंग के बारे में कहाँ से सुना? एक YouTube पे देख रहा था। मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था पहले, तभी ओके YouTube पे मुझे एक रिकमेंडेशन आया हैकिंग का, और ओके एड्स भी आते हैं मुझे, एथिकल ऐड्स भी आते हैकिंग। हैं। क्या क्या लगता है आपको हैकिंग में क्या होता है? सिस्टम्स में ब्रेक करते हो या सिक्योर साइबर सिक्योरिटी करते हो और एक्सेस करते हो कैन यू सिस्टम। प्लीज टेल मी इन इंग्लिश एटलीस्ट, मतलब व्हाट डज इट मीन हैकिंग इन शॉर्ट? हैकिंग मीन्स सिस्टम ब्रेकिंग, एक्सेसिंग द सिस्टम एंड गेटिंग व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट मींस फॉर एग्जांपल फाइल्स। फाइल्स। ओके तो व्हाट इफ आई हैक एनी वेबसाइट फॉर एग्जांपल गूगल और फेसबुक है ना, और इंस्टाग्राम, यू नो इंस्टाग्राम एंड गूगल, यस व्हाट सर। एक्चुअली दैट वेबसाइट डू सर पार्डन, यू नो दैट गूगल वेबसाइट ना? यस सर। ओके सो व्हाट एक्चुअली दैट गूगल वेबसाइट डू? आई डोंट नो। एंड फेसबुक? फेसबुक आई हैव नेवर यूज्ड। ओके देन व्हिच वेबसाइट यू यूज गूगल मोस्टली, फॉर सर्चिंग पर्पस? करेक्ट, यस सर, इट मीन्स गूगल यूज फॉर टू सर्च एनीथिंग, करेक्ट? यस सर, ओके इट मीन्स इट्स अ सर्च इंजिन है ना? यस सर। राइट राइट राइट। डिड यू हियर अबाउट इंस्टाग्राम और अमेजॉन वेबसाइट? आई हैव हर्ड अबाउट इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, व्हाई वी यूज इंस्टाग्राम? फॉर चैटिंग आई गेस, बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड इट। ओके कूल, नॉट बैड, डोंट यूज दीज थिंग्स, ओके इट्स नॉट गुड फॉर अस, वी आर ओके हैकर ना, वी जस्ट वॉन्ट टू हैक दैट इंस्टाग्राम है ना? ओके ओके फॉर अ गुड पर्पज। ओके नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग दैट कि इफ यू हैक एनी फेसबुक वेबसाइट काइंड ऑफ थिंग्स देन यू नीड टू यू नो लाइक रिपोर्ट देम फर्स्ट। रिपोर्ट मीन्स वॉट? यू कैन क्रिएट अ रिपोर्ट लाइक दैट वेबसाइट, हाँ दैट वेबसाइट हैविंग द वल्नरेबिलिटी टू, एनीबडी कैन हैक दैट वेबसाइट बाय यूजिंग दिस मेथड्स, तो दे कैन रिवार्ड यू लाइक इन अमाउंट, यू यस नो सर, यस सर। लाइक 100 बाउंटी, $100, $1,000, $5,000, लाइक दैट। सो इट मे बी वेरी, इट मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन योर सिवियरिटी लेवल। सिवियरिटी मीन्स वॉट? कि इफ यू हैक एनी वेबसाइट एंड दैट यू गेटिंग यू नो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट वेबसाइट, इट मीन्स सिवियरिटी लेवल इज हाई, क्रिटिकल। इफ यू हैक एनी वेबसाइट एंड यू डोंट गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन लाइक नथिंग देयर, देन देर इज नो एनी सिवियरिटी लेवल, इट जस्ट नॉर्मल। ओके सो नॉर्मल। इट्स वेरी नॉट क्रिटिकल टू यू बट या आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टूड एवरी थिंग है ना? ओके स्टेप बाय स्टेप। तो नाउ योर क्यूरियोसिटी इज वॉट टू लर्न अबाउट इथिकल हैकिंग। अब इथिकल हैकिंग में क्या होता है? इथिकल हैकिंग में हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे लाइक हाउ मोबाइल हैक, हाउ हाउ एनी बडी हैक योर पीसी, ठीक है, एंड हाउ दे हैक योर कैमरा। यू डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दैट योर कैमरा मे बी
हाईजैक बाय समबडी वन, और वो आपको देख रहा है, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक ही होता है, सपोज आप कहीं पे सर्च कर रहे हो गूगल पे, एंड गूगल पे एक फाइल आपको मिला, आपने बस वो फाइल डाउनलोड किया, गेम है, यू जस्ट प्लेइंग दैट गेम, बट एक्चुअली क्या होता है ना, वो गेम खेलते खेलते आपका ना कैमरा एक्सेस चला जाता है, और वो जो हैकर होता है ना, वो हैकर आपको देखता रहता है कि ये जो है ये क्या कर रहा है, वो पूरा कैमरा जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, वैसे वो बंदा आपको देख सकता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप कैसे हैक होते हो। तो कभी भी सोल्जर, पता है आपको, यू नो सोल्जर क्या काम करता है? सोल्जर फाइट करता है करेक्ट प्रोटेक्ट। करेक्ट, सोल्जर्स हैव ना गन, AK-47 और मशीन गन एंड ऑल। तो वो क्या करते हैं, हमारी कंट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करना हाँ मतलब क्या होता है, सिक्योर करता है, सिक्योर करना, मतलब अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। करेक्ट, बट उनके पास तो गन होती है, तो वो बुरे लोग हैं ना। हमारे कंट्री को सिक्योर करते हैं, अगर दूसरे कंट्री हमें मतलब हमारे ऊपर कब्जा करने को आ रहे रहेंगे तो हम प्रोटेक्ट करते हैं गन के साथ। ओके कूल, तो हम, हमारे सोल्जर हमारे प्रोटेक्शंस करते हैं फ्रॉम आउटसाइडर और इंट्रूजन, जो होते बाहर के लोग, उनसे हमें वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं, वॉर करते हैं, उनके पास जो गन है वो गन से सामने वाले बंदे को मारते हैं। क्यों मारते हाँ हैं? यूजलेस हम नहीं मारते, वो बंदा, सामने वाला जो बंदा है हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमें भी मार सकता है, तो खुद को बचाने के लिए हमारे पास जो गन है वो फायर करते हैं और हमारे लोगों को बचाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, गन्स लिए बैठे हैं, ये उसे मारेगा या ये बंदा उसको मारेगा। तो अब हमें खुद को प्रोटेक्शन देना है, तो हमारे पास भी ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास गन है, और लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है। हाँ बट इट इज नॉट मैटर, अब मैटर क्या करते हैं कि हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं, हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है, डिफेंस हो रहा है हमारा। अभी डिजिटल वर्ल्ड में भी वही मेथड है ना। नाउ यू आर यूजिंग योर हाँ सिस्टम, अब आपका सिस्टम सिक्योर है, मतलब आप किसी गलत चीज से मतलब सराउंडिंग होंगे, या आपके सिस्टम में कुछ वायरस आ जाता है, कोई पाकिस्तानी बंदा हो या कोई चाइनीज बंदा हो, उन्होंने आपके पीसी में कुछ वायरस डाल दिया, तो क्या होगा, आपकी मम्मी या डैड जो भी है नेट इंटरनेट बैंकिंग करते हैं पीसी से, तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा, है ना। हाँ या ताकि कभी, वो एक्सेस ना कर पाए ना। हाँ, अब आपके पीसी में कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है, तो आपका पीसी हैक हो गया है, तो क्या होगा, आपके पीसी हैक होने से आपके पीसी की इंफॉर्मेशन वो हैकर के पास चली जाती है, हाँ ठीक है। अब आप घर का छोड़ो, आप जाते हो जॉब करने, बड़ा होने के बाद आप जॉब करते हो, जॉब करने के बाद अच्छी वाली कंपनी, वहां पर आप काम कर रहे हो, अब वहां पे आपको क्या करना है, उनका काम करना है, या आप खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहे हो आगे जाके, ठीक है। अब आपकी खुद की कंपनी का टर्नओवर बहुत बड़ा है ना, हाँ करोड़ों में है, करोड़ों में आप कमाते हो, है ना। सोचने का, सोचने को कुछ कुछ जाता नहीं है ना, हमें जेब में से हाँ पैसे नहीं देना है, तो आप करोड़ों कमा रहे हो, और क्या होता है ना, एक्सीडेंटली कोई हैकर आपका पीसी हैक करके आपकी जितनी भी कमाई है वो लेके भाग जाता है बैंक में से, तो हाँ क्या होगा, इतना हम लोगों ने काम किया, हार्डवर्क किया, नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं। तो अब आपको पता है कि हैकिंग कैसे होती है, तो आप उसको खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, करेक्ट। हाँ ओके वेरी गुड, तो वही हम लोग देखेंगे, अब हम लोग नॉर्मल बंदे हैं या नॉर्मल सिटीजन है तो भी वो बेनिफिट है, या इफ यू वांट टू डू वर्क और आपको करियर करना है साइबर सिक्योरिटी में, तो साइबर सिक्योरिटी में वो सब चीजें आपको सीखनी है, कैसे कैसे हैक करते हैं, तो हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सोल्जर का एग्जाम्पल दिया कि हाँ हमें ऑफेंस तो करना है, गन हमारे पास होनी चाहिए, वी वॉन्ट दैट, है ना, वेपन्स, अदरवाइज हमारे पास गन ही नहीं है, तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं डिजिटल वर्ल्ड में भी कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी होगी तो उनके पास भी ऐसे लोग होते हैं जो हैकर होते हैं, जो हैक करते हैं चीजें, और उससे क्या होता है कि अब आपका नाम क्या बोला आपने, रे अर्थ रियर्थ, रियर्थ एक बहुत बड़ा हैकर है, इज यू नो
वर्ल्ड में टॉप लेवल पे हैकर है, छोटा सा है बहुत बहुत बड़ा है। अब उसे ना उसके पास इतने सारे स्किल है कि वो कुछ भी कर सकता है। सबसे अब क्या आपका एज क्या है? 12th है। आप 12th में हैकर बन जाते हो, कुछ बाउंटी मिलती है तो आपका पेपर में नाम आएगा, पब्लिश हो जाएगा। अरे 12 साल का बच्चे ने हैकिंग किया, और वो इथिकल क्या, बैड नहीं, बुरी नहीं, अच्छी वे में किया, तो आपका नाम कहाँ पर आएगा? पेपर में आएगा, पेपर न्यूज़ में आएगा, टीवी में आएगा। क्यों, इतना छोटे बच्चे ने अभी तक हैकिंग नहीं की है, मतलब वाइट हैट हैकर नहीं है, तो आपको लोग क्या बोलेंगे? अरे टैलेंट है, ठीक है, तो ये आपके पास अभी क्या है, चांस है। अब हाँ आपका जो नॉलेज है, आपका बहुत अच्छा नॉलेज, अभी आगे जाके आपने बुरा काम कर लिया, ठीक है, तो आपको पकड़े जाएंगे, है ना, तो फिर आपके ऊपर हाँ पुलिस केस करेगी। बट आपके पास अच्छा नॉलेज है तो कंपनी आपको बुलाएगी, कंपनी बोलेगी रियर हमारी कंपनी को प्रोटेक्शन दो, तो आप क्या करते हो, उनके कंपनी को हैक करते हो, मतलब उनके ऑथेंटिकेशन में उन्होंने हमें क्या दिया, अभी पैसा दिया है, क्यों दिया है, कि उनके कंपनी को प्रोटेक्ट करने के प्रोटेक्शन। लिए। अब प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो प्रोटेक्ट ऐसे करना है कि उनकी कंपनी को दूसरा हैकर हैक करके डेटा लीक ना करे, तो हम खुद उनको हैक करेंगे, बताएंगे हाँ यहाँ से हैक होता है, आपका घर जो है तो आपको पता नहीं कहाँ पे लूप होल से, आपका जो डोर है मेन डोर वहां पे कुछ तो दिक्कत है, आपको नहीं पता, तो ना इजीली खुल जाता है दरवाजा, ये आपको नहीं हाँ पता, तो आप लोग को वो क्या होता है ना, आपके घर में से कुछ ना कुछ चोरी होके जाता है डेली, आपको नहीं पता कैसे चोरी होता है, तो एक बाजू में जो बंदा है वो क्या करता है, आपका जो लॉक है वो खोलता है, अंदर आता है, पैसे लेके जाता है, डेली लेके जाता है और निकल जाता है। अब आप अपने क्या सोचा रही है कैसे होता है, तो आप एक चोर को ही हायर करते हो, चोर को बोलते हैं अरे देख 500 रुपए ले लो और हमारे घर में आके दिखाओ, कहाँ से आते हो, कैसे आते हो, मुझे दिखाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब वो चोर चोरी नहीं करेगा, वो उनका वो चोर का दिमाग लगाएगा कि इस घर में जाना कैसे है। अब चोर को तो हाँ पता रहता ना कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कैसे कैसे दरवाजे खोलने हैं, तो वो उसको उस दिमाग से दरवाजा खोल के अंदर आया और बता दिया हमें कि अरे ये दरवाजा लॉक है, अनलॉक रहता है, यहाँ से हम लोग घुस सकते हैं। तो चोर करने वाला जो चोर रहता है उन्हीं के दिमाग के लोग हैकर होते, मतलब वैसे ही हैकर होते हैं, बड़े हाँ अच्छे हैकर होते हैं, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व करो, मतलब बाहर का लोग बंदे आके हमारे सिस्टम को हैक ना करे, ठीक है, हाँ तो हम लोग उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका रूट प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, कंपनी सेफ। अमेजोन कंपनी है जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं, कपड़े लेते हैं, है ना, टॉयज लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं। अब वहां पर हम लोग को क्या बोला अमेजोन ने कि देख रियांत आप हैकर हो, हमारी कंपनी को हैक करो, आप हैक करते हो तो मैं आपको $10,000 दूंगा, तो आपके पास स्किल है, आवाज आ रही है रियांत मेरी? थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। अभी अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैंने बोला कि अमेजोन जो वेबसाइट है उन्होंने क्या किया, आपको आपको बोला रियांत हमारी वेबसाइट हैक करो, मैं आपको 10,000 दे दूंगा, तो रियांत के पास इतना अच्छा स्किल है, रियांत ने अमेजोन को हैक कर दिया, फिर हाँ अमेजोन खुश, अमेजोन ने बोला अरे बेटा आपने अच्छा काम किया है, चलो ठीक है आपको 10,000 ले लो और बताओ कैसे हैक किया आपने, तो आपने उनको रिपोर्ट बना के दे दिया कि ऐसे ऐसे मैंने हैक किया। अब अमेजोन क्या बोलेगी, चलो ठीक है, उन्होंने जो डेवलपर होते हैं ना वो वेबसाइट बनाने वाले लोग उनको बताया अरे देख यहाँ से हैक हो रहा है, इसको सॉल्व करो, प्रॉब्लम ठीक करो, मतलब कोई फिर से कोई बंदा आके उसको हैक ना करे, तो वो क्या करते हैं अच्छा ठीक कर देते हैं, है ना। हाँ हाँ, तो अभी रियांद भी नहीं हैक कर सकता उस चीज को, ना ही कोई और कर सकता है, तो ये होता है स्किल, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इसमें हम लोग अब देखो, मैंने एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं अब तक नहीं, ओके, एक सेकेंड, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है। ओके, मैंने आपको एक्सेस दिया है, बट जब मैं आपका पीसी हैक करता हूँ तो आप क्या कर रहे हो वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है? आपको एक्सेस मिल जाता है। हाँ, इवन आप किसी से किसी के साथ चैटिंग करते हो,
वो भी मैं देख सकता हूँ। ओके, आप कुछ पासवर्ड कहीं पे टाइप कर रहे हो, वो भी मैं देख सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती है। हाँ ओके, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ना लोग क्या गाड़ी कार हैक करते हैं, ऑटोमेटिक उसे स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ अच्छा, ऐटो कार के बारे में सुना है कभी? ऐटो कार क्या होती है? नहीं, मेरे को ऐटो कार के बारे में पता नहीं। ओके 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 ठीक है। अच्छा, जो आप घर में रिमोट होता है, हाँ टीवी का रिमोट, तो टीवी का रिमोट हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, मोबाइल से भी कंट्रोल करते हैं, हाँ ठीक है। तो वो मोबाइल से जब कंट्रोल करते हैं तो कोई उसे भी हैक कर सकता है, और तो आपके टीवी को कैसे चलाना है वो हमको पता रहेगा। हाँ, वी कैन कंट्रोल दैट थिंग कि कौन सा चैनल लगाना है, क्या करना है, वो सब वो हैक में होता है, ठीक है। अब आपका वाईफाई, आपके घर में वाईफाई तो होगा, करेक्ट? हाँ। हाँ, अब मुझे बताओ आपका वाईफाई का पासवर्ड किसको पता है मेरे पापा को और मॉम को, ठीक है? हाँ। राइट, आपको पता है? हाँ, नहीं अब आपको पता होगा तो आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे आपका मोबाइल हो या आपका जो भी है, ठीक है, मेरे या पास आपके, मोबाइल नहीं है। हाँ हाँ आपके पास होगा तो, ठीक है, या आपके आपके जो नेबर्स हैं उनको पता चलेगा तो क्या करेंगे, आपके वाईफाई से कनेक्ट करके आपका डेटा यूज करेंगे, राइट? हाँ, तो ये सब चीजें होती है, वाईफाई हैक करना एंड ऑल। अब और एक चीज कि कभी भी कोई किसी को भी हमारे घर का वाईफाई नहीं देना है, हाँ ठीक है। अब देते भी हो, एक सेकेंड, ओके, आप देते भी हो तो क्या होगा, वो जो भी बंदा है आपके साथ गलत कर सकता है, आपके मोबाइल में, आपके पीसी में वायरस सेंड कर सकता है। हाँ इंस्टाग्राम का स्क्रीन आया है। ओके, कैसा दिख रहा है ये? इस तरह से दिख रहा है, वेरीफाइड बैच, बैजेस करेक्ट। तो ये आपको ना ब्लू टिक मार्क, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनको ना उन प्रोफाइल पे ब्लू टिक मार्क रहता है उनके, मतलब उनको हम बोलते हैं सेलिब्रिटीज। तो अब यहाँ पे आपको खुद को भी इंस्टाग्राम का वो ब्लू टैग चाहिए तो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा, अब बस आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई क्या करना है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जस्ट फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। माई बर्थडे इज लाइक अप्रैल समथिंग में जो भी रहेगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। सो माय ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम क्या है, इट्स रियल बिल्लू, है ना, एंड द पासवर्ड इज विशाल 1 2 3 4, माय पासवर्ड। व्हेन आई सबमिट, ओके, द नेक्स्ट पेज विल बी मेल, कंफर्म करना है आपको, आप मुझे मेल भी कंफर्म करना है, सो आई नीड टू टाइप हियर माय मेल आईडी आल्सो। लाइक मेल आईडी है मेरा विशाल @xyz.com और पासवर्ड है मेरा ईमेल का विशाल अगेन 1 2 3 4, और मैंने किया सबमिट। देखो अब यहाँ पर ना मैं मुझे खुद को ब्लू टिक मार्क चाहिए मेरे इंस्टाग्राम को, राइट। तो इंस्टाग्राम के लिए मैंने किसी से देखा कि उन्होंने मुझे कुछ लिंक दिया है और वो लिंक में लिखा था कि इफ़ यू वॉन्ट टू ब्लू टिक मार्क जस्ट फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन, यूजर नेम हाँ एंड पासवर्ड एंड वो सब चीज़ें ऐड करनी है। तो मैंने कर दिया, अब मैं वेट करूंगा कि मुझे ब्लू टिक मार्क कब मिलेगा। बट जब मैं वो फिल कर रहा था उस टाइम पे क्या हुआ ना, उस टाइम पे मेरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई। मैंने जब भी वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन टाइप की थी, दैट इंफॉर्मेशन इज सेंट टू हैकर माई यू ईमेल। गया। हाँ देखो, यहाँ पर मिल गई ना सब इंफॉर्मेशन, हाँ करेक्ट? हाँ हाँ, नाउ यू कैन डू द सेम। आप क्या करो ना, आप उस लिंक को ओपन करो, ओपन है, हाँ एक सेकेंड, नो टनलिंग, मैं वापस से स्टार्ट कर देता हूँ। अब हम लोग ना कुछ अलग करते हैं, इंस्टाग्राम के ही करते हैं।
एक्टिव फॉलोअर, आपकी जो फॉलोअर होते हैं ना वो बढ़ा देते हैं। ओपन दिस लिंक। फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स करेक्ट, क्या आया है? लोड हो रहा है वो अब तक। ओके आया क्या लिखा है वहां पे? ओके लॉग इन विद इंस्टाग्राम साइन करो टाइप कुछ भी, अप, टाइप योर इंस्टाग्राम यूजर नेम या पासवर्ड, करो जो भी है, कुछ भी डाल दो। पासवर्ड भी कुछ भी। हाँ कुछ भी डालो, बस याद रखो क्या रखा है आपने। हो गया एंटर कर दिया, दिया, एंटर कर दिया। ओके ओके। तो आपने जो यूजर एंड पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया था, यूजर था 1234 और पासवर्ड था 1234, करेक्ट? हाँ ये सही है। हाँ ओके तो इस तरह से वो क्या होता है ना, हैक हो जाता है, किसी का यूजर नेम पासवर्ड निकालते हैं। ये एक सिंपल एक छोटा सा मेथड है, इसमें कुछ सब कुछ नहीं है, एक छोटा सा मेथड है। ओके अब मैं इससे कई गुना अलग चीजें कर सकते हैं हम लोग हैकिंग में, जिसमें बाउंटी होती है, जिसमें इथिकल स्किल होता है। ये जो है एक छोटा सा स्किल है, इतना बड़ा नहीं है। अब मैं आपका मोबाइल हैक करूंगा तो आपके मोबाइल में जो भी है चीजें मैं देख सकता हूँ, तो इसे बोलते हैं इथिकल हैकिंग। क्या बोलते हाँ, हैं? एथिकल हैकिंग। राइट। इस पे कुछ क्वेश्चन है आपको? नहीं ओके नो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस होना चाहिए ना रियांत? हाँ, वो मुझे सीखूंगा तभी क्वेश्चंस आएंगे, ओके अभी फिलहाल तो सब कुछ समझ में आया। ओके कुछ क्वेरीज है, मतलब अलग क्वेरीज अदर देन दिस? नहीं, अलग क्वेरीज नहीं है अब तक। अब तक नहीं। अंडरस्टूड। ओके कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन? या ओके अब जो हैकिंग मैंने बोला है, इथिकल हैकिंग का मतलब क्या है? अब कंपनीज को हेल्प करना, अच्छे काम करना, उनको उनको हैक करके दिखाना कि हैक कैसे होता है, तो वो कंपनीज अपने डेवलपर को बोलेंगे कि ऐसे ये पोजीशन सिक्योर कर लो ताकि कोई भी हैकर हैक नहीं कर सके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो अभी उनको तो हम लोग हैक करके दे रहे हैं, बट व्हाट इज बेनिफिट? बेनिफिट क्या है हमें? हमें रिवॉर्ड देंगे, पैसा या कुछ तो। ओके रिवार्ड्स मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, बाउंटी मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा एज कम्पेयर अदर वर्ड, क्या ये सिक्योर, मतलब ये अच्छा काम है या बस ऐसे ही है? अच्छा काम है ना। ओके देखो रिसेशन मतलब होता है कि कभी कभी ना जरूरी नहीं होता कि लोगों को कंपनी में रखना, वो लोग ना निकाल देते हैं इम्प्लॉयज को कंपनी वाले आईटी सेक्टर में, तो बहुत सारे लोग घर पे चले जाते हैं, जॉब लेस हो जाते हैं, ठीक है? बट साइबर सिक्योरिटी में ऐसा नहीं होता है, पता है क्यों? सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कम लोग है। अभी तुम्हारे स्कूल में लोगों को इथिकल हैकिंग क्या होती है बस सुना होगा, बट करने वाले कोई नहीं हो गए, ठीक है? अब हाँ हमारे सराउंडिंग में भी वैसा ही इन्वायरमेंट है, साइबर सिक्योरिटी में उनको पता है बट कोई ज़्यादा नहीं है। ओके ओके तो ये डिफरेंट है। हाँ ओके तो हमें क्या करना है, वहाँ तक जाना है बस।